हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान अहमद फारूकी। वेलकम टू प्रॉफिट जोन। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम इमरान अहमद फारूकी है। मैं आप सभी को प्रॉफिट जोन में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। डिस्क्लेमर, दिस ट्यूटोरियल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। मेरा डिस्क्लेमर है, ये ट्यूटोरियल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। और एक डिस्क्लेमर है, अनदर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड मेंबर और टिप्स प्रोवाइडर और आई बिलोंग टू एनी टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा और एक डिस्क्लेमर है, मैं ना मैं सिविल रजिस्टर मेंबर हूँ, ना टिप्स प्रोवाइडर हूँ, ना टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म से बिलोंग करता हूँ। जो भी मेरी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सो माई ई मेल आई डी इज़ imranahmadyafat@gmail.com। मेरा ई मेल आई डी है imranahmadyafat@gmail.com। देखिए, सी प्लीज़ डोंट फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड सी द वीडियो, प्लीज़ कम्प्लीटली सी दिस वीडियो। एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, राइट डाउन टू दिस ई मेल आई डी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। देखिए दोस्तों, ये वीडियो को फास्ट करके मत देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, मेरे ईमेल आईडी पे लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। सो व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे? टुडे इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन कैलकुलेट फॉर दिस, you have to calculate this for stock, equity stock, then you can apply this to stock option, futures, anything. So this is very very important topic. Please write it down in a notepad or any note sheet or any noting pad, formulas and whatever you want. So write it down. देखिए दोस्तों, आज की जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। आप ये नोट बना सकते हैं या लिख लीजिए कहीं पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जो भी इक्विटी स्टॉक में आप कैलकुलेट करेंगे वो आप स्टॉक ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही उम्दा काम आ जाएगा। सो टुडे इज़ अ स्टॉक वॉलेटिलिटी। व्हाट इज स्टॉक वॉलेटिलिटी? सी, एनी स्टॉक इन ए डे मूवमेंट, हाउ मच इट विल मूव द पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक वॉलेटिलिटी। दैट मीन्स दिस स्टॉक, एग्जाम्पल SBI और इन्फोसिस, इन ए डे हाउ मच SBI कैन मूव 2 points or 3 points or 5 points maximum. How much Infosys can move? 20 points, 15 points depending upon the news, or 10 points or 5 points. You have to calculate this. So what we have to do is go to nseindia.com. Then you, in the equity column, you have to type any stock, whichever stock you want. Then go to history, 7 days history, and then take down the yesterday's previous day close, previous day low and previous day high. Then formula high minus low, you will get the volatility. Stop loss should be below this point or above this point. I will show you practically, then you will understand what is this. Please write it down, these points. I will be waiting for 2 minutes to write down these points, then I will go forward with the Hindi explanation. ओके, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टॉक वॉलेटिलिटी। स्टॉक वॉलेटिलिटी होता क्या है? देखिए, कोई भी स्टॉक ले लीजिए आप, चाहे वो SBI हो या चाहे इन्फोसिस हो, एक दिन में वो स्टॉक कितने पॉइंट्स मूव करेगा वो कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप पता चल जाएगा कि आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, और वो स्टॉक आज के दिन में कितना मूव करेगा। मैं कितना मूव करूंगा ये मतलब ये नहीं है कि स्पेशल न्यूज़ और ये सब निकाल के मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि बजट है, स्पेशल न्यूज़ है, या कुछ रिजल्ट है, क्या स्प्लिट है, इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं आप। उसके टाइम पे अलग ही डिफरेंट होता है। ये जो है इंट्राडे के लिए सिर्फ करना है, और ये जो है हर टाइम नॉर्मल टाइम पे ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी आप कैलकुलेट करके रख लीजिए। जो भी आप एनी स्टॉक कर रहे हैं तो कैलकुलेट करके रख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कितना मूव करेगा पर डे में। तो आपको क्या करना है, NSE India के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे इक्विटी का कॉलम होता है, वहाँ पे सर्च में आप कोई भी स्टॉक डाल दीजिए आपका जो भी पसंद हो, तो उसका हिस्ट्री में जाइए और 7 दिन का हिस्ट्री ले लीजिए, और वहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो है और प्रीवियस डे का हाई है, जो पिछले दिन यानी एक दिन पहले का, बिकॉज आपको 7 दिन पहले या 15 दिन पहले या 10 दिन पहले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन पहले का रख लीजिए बस, तो उसका हाई माइनस लो कर लीजिए, आपको वॉलेटिलिटी मिल जाएगी। अब स्टॉप लॉस कितना रखना है, जो भी वॉलेटिलिटी मिलती है, यानी जैसे कि आपको 2% मिल गई या 2 पॉइंट्स की मिल गई, तो 2 पॉइंट्स अबो का स्टॉप लॉस या 2 पॉइंट्स बिलो का स्टॉप लॉस रखना है।
So, friends, what I was telling is you don't need to calculate 10 days history or 7 days history. You have to just calculate only 1 day before history. So, when you get the volatility, like example, 2 points volatility, like that means this stock will move only 2 points per day. So, what would be the stop loss? 2 points means if the stock is running at 20 rupees, example, you have to put a stop loss of 22 or 18, depending upon your buy position or sell position. Please understand this. If you have any doubt, you can clear it. ओके, सो लेट अस गो विद द प्रैक्टिकल. तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसा करना है. तो ये दिस इज एनएसई इंडिया डॉट कॉम. तो ये एनएसई इंडिया डॉट कॉम का वेबसाइट है. सो आई विल टाइप एनी वन स्टॉक. लेट मी टाइप SBI. ओके, तो चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख लेते हैं. सो दिस हैज़ बीन ओपन हियर. दिस इज़ द रनिंग टूडेज ओपन हाई लो एंड क्लोज. सो यू डोंट नीड टू सी दिस. ये आपको देखना नहीं है. सो ये जो रनिंग है ये, सो यू हैव टू सी ओनली द हिस्टोरिकल डेटा. तो आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा पे जाइए. सो गो टू हिस्टोरिकल डेटा एंड गो टू 7 डेज. ओके, एंड देन क्लिक गेट डेटा. तो आपको हिस्टोरिकल में जाना है. 7 डेज डेटा पे जाइए और गेट डेटा कर लीजिए. तो आपको एक नोट, सो ओपन वन नोट पैड. सॉरी, आई विल राइट इट डाउन हियर. सो आई विल ओपन वन नोट पैड. So my condition was on 24th August. तो मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ. तो मैं क्या करना है, प्रीवियस डे लो. सो आई हैव टू राइट डाउन प्रीवियस डे लो, दैट इज 277.50. तो मैं नोट पैड ओपन कर लिया है. मुझे क्या नोट डाउन करना है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई. सो देन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई इज 281.45. तो प्रीवियस डे हाई है 281.45. अभी फार्मूला क्या कहता है, प्रीवियस डे हाई माइनस प्रीवियस डे लो. तो फार्मूला क्या कहता है, प्रीवियस डे हाई माइनस प्रीवियस डे लो, यानी 281 माइनस 281.45 माइनस 277.50. तो देख लीजिए, ये फार्मूला है. आपको समझ में आ गया ना. एक्सक्यूज मी. सो लेट अस गो एंड कैलकुलेट विद दिस. सो 281.45 माइनस 277.50. देखिए SBI, सी फ्रेंड्स, द SBI इज ऑलमोस्ट पर डे इट विल मूव टू 3.95 और 4 पॉइंट्स 4%, दैट इज 4 पॉइंट्स इट विल मूव डेली. तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने कैलकुलेट क्या कर लिया है, SBI एक दिन में इधर आप इधर 3 पॉइंट मूव करती है या मैक्सिमम 4 पॉइंट मूव कर देती है एक दिन में. तो आपका टारगेट क्या होगा, आप रख लीजिए 2 पॉइंट. अगर स्टॉप लॉस क्या होगा, 2 पॉइंट नीचे, यानी 281 है तो अगर चल रहा है तो, एग्जांपल अगर अभी 279 चल रहा है तो इसके 2 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिए. अगर आपको बाई है तो टारगेट 2 पॉइंट्स ऊपर रख लीजिए. सो व्हाट वुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस, इफ इट इज रनिंग 279.55 द स्टॉप लॉस शुड बी, इफ यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन गो फॉर 4 पॉइंट्स बिलो दिस और 4 पॉइंट अबव दिस इज द टारगेट. अंडरस्टैंड दिस. सो वी विल गो अनदर एन एग्जाम्पल. तो चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं. कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, चलिए सन फार्मा. तो चलिए सन फार्मा में एक बार देख लेते हैं. तो सो वी विल गेट ए सन फार्मा ऑल्सो हियर. सो टूडेज मूवमेंट इज ऑलमोस्ट 11 पॉइंट. सो आज का मूवमेंट देखिए, सन फार्मा में 11 पॉइंट का मूवमेंट है. तो चलिए इसका वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं. सो कम फ्रेंड, वी विल चेक द वॉलेटिलिटी ऑफ दिस स्टॉक. सो वी विल गो टू हिस्टोरिकल डेटा. तो चलिए हिस्टोरिकल डेटा पर जाते हैं. वी विल गो टू 7 डेज, 7 डेज पर जाते हैं. तो हमने क्या करते हैं, प्रीवियस डे लो. तो सन फार्मा का प्रीवियस डे लो क्या है, सो प्रीवियस डे लो इज 469.50 एंड प्रीवियस डे हाई इज 488.45. देखिए, मैंने प्रीवियस डे लो ले लिया था 469.50 और हाई लिया था 488.5.
सॉरी। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं हाई माइनस लो, सो वी विल कैलकुलेट हाई माइनस लो, 488.45 माइनस 469.50, सो व्हाट वुड बी दैट, लेट मी चेक दैट। तो कैलकुलेट करते हैं 488.45 माइनस 469.50। सी फ्रेंड्स, द सन फार्मा पर डे मूवमेंट पॉइंट मूवमेंट इज 18.95, दैट इज ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स इट में मूव डेली। सो सन फार्मा कैन मूव इन अ डे 19 पॉइंट्स टू 18 पॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों, हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से सन फार्मा डेली अगर मूव करने का शुरू हुआ तो वो 18 पॉइंट्स तक जाएगा या 19 पॉइंट्स तक भी जा सकता है। तो ये जो है बहुत ही इफेक्टिव है। तो देख लीजिए, अभी तक आज इसने 11 पॉइंट्स तक चला गया है। तो सो नाउ द सन फार्मा हैज़ गॉन टू 11 पॉइंट्स, सो आवर कैलकुलेशन सिट्स ऑन 19 पॉइंट्स, इट हैज़ गॉन टू 11 पॉइंट्स। सो स्टिल यू हैव अ टाइम टू, इट मे गो अप। So your stop loss should be above this one, that is 10 points or 9 points above that or below that. I hope you have understand my video. So this is what is stock volatility. See friends, and who has not yet subscribed my channel, please subscribe my channel, like my channel, comment, share, and please don't demotivate me not to upload the video. If you are not good with my video or with my strategy, please don't watch my channel, and please don't demotivate and upset my mood. I would have brought every day videos, but so many people are there with negative comments. I feel sad. First of all, I am helping others to improve their stock trading. In that, many people are there who will demotivate me by writing the negative comments. Please don't do that. If you don't want to see my channel, please unsubscribe my channel. I am openly telling that I'm not getting a penny from YouTube or not even you people. I'm helping the people. If you don't want to see that, please, you can close my channel. Don't enter in my channel. Who is the beginner? Who is the one? They can see my channel and they can learn. Many of them tell that if we follow your strategy, we will wipe out our money. And somebody told that if we invest 1 lakh, how to take a sell position. Please see my video properly, sir. I have never told that you can carry with the sell position. No, in stock market, only future and option can be taken in a sell position. No individual stock, no firm will give sell position for next day. And somebody has written that next day will be delivery period. Who said, sir? T plus 2, that is taken period plus 2 days, it will come to delivery. That is on after 3 days, it will go to delivery. Till that time you can, it will be a intraday only. So these are the points which will upset me. So if you have a negative comments, don't watch my channels. And others, please encourage me to update my videos, and I will bring new videos for you people. Please subscribe, please like. Many of the people have not liked my channel. Please like it, and when you subscribe, please click the bell button so that whenever I update a new video, you will get to see that my new video is been updated. So this is Imran Farooqi saying bye to everyone. Take care. Happy trading. देखिए दोस्तों, मुझे होप है कि आपने समझ गया है कि स्टॉक वॉलेटिलिटी क्या होती है, यानी पर डे में वो स्टॉक कितना मूव करता है, कितने पॉइंट्स मूव करता है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है। तो इससे आपको किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, बहुत सारों ने इतना नेगेटिव कमेंट्स लिखा है मेरे चैनल्स में कि आपकी बात सुनेंगे तो हमारे पैसे पूरे चले जाएंगे। सर, आप पैसे क्यों चले जाएंगे? सर, आपको अब मेरा चैनल पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप मेरे चैनल को वॉच मत कीजिए। ऐसा डीमोटिवेट मत कीजिए ना, ताकि मैं डेली वीडियो लाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं जो मुझे लाना नहीं देते। पता नहीं क्यों, उनका बहुत सारे रीजंस होते हैं।
ताकि अगर वो स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं तो उनको ऐसा डर लगता है कि सभी लोग वो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो उनकी स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, तो वो मुझे ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आप ऐसा मत डालिए, वाइप आउट हो जाएंगे, पैसे वाइप आउट हो जाएंगे। एक बंदे ने तो लिखा था कि सर स्टॉक में सेल पोजिशन कैसे ले सकते हैं, आपने तो सेल पोजिशन दिखाया है, कैसा ले सकते हैं। कोई स्टॉक मार्केट में सेल पोजीशन इक्विटी स्टॉक को नहीं देता, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को देता है। अब प्लीज़ वीडियो फिर से आप देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए, चुपके बेकार का ऐसे वैसे कमेंट्स मत कीजिए। और किसी ने कहा था कि मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अगर करता चला जाऊंगा मार्केट बुलिश हो जाएगा। भाई मैंने किसी ने कहा था कि आपको 2 लाख रुपए इमीडिएटली मेरे स्ट्रैटेजी में डाल दो। अब 500 रुपये डालो, 5 शेयर लो या 4 शेयर लो। मैंने कहा था थोड़ी कि आप 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर दो, नहीं ना। तो आप झूठे झूठे कमेंट्स क्यों लिखते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स, बेकार के कमेंट्स आप लिखना छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे चिंता नहीं है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे आपसे कुछ 1 रुपया मिल रहा है, ना मुझे यूट्यूब से मिलता है, मुझे अभी तक 1 रुपया नहीं चाहिए और मुझे चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ ये हेल्प करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भी अब तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत सारों ने कम लाइक नहीं किया, इसका मतलब यह है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद नहीं आए। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो बेल का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नो न्यू वीडियोज़ डालूंगा तो आपको डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाएगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, मेरा हौसला अफजाई कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट्स का मेल का इंतज़ार करता रहूँगा। मैं इमरान अहमद फ़ारूक़ी आप सभी से विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।